हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईआईटी केमिस्ट्री एकेडमी। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शंस आज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपके पास होगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो ये चैप्टर 7 है आपका और इसको डिलीवर मैं खुद कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि रिडॉक्स रिएक्शन का सेंस क्या होता है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में एक तरीके से दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। रिडॉक्स रिएक्शन आर कंबाइंड इन टू पार्ट्स। तो आपके पास है ऑक्सीडेशन, एक पार्ट इसका ऑक्सीडेशन होता है और एक पार्ट होता है बच्चों रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां पर भी आपके पास होगा वो आपका कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, या सिंपल लिख दो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी जगह आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लास्टली इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या होता है कि चार पॉइंट है जिसको आपको यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करना है। यानी किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन का पार्ट है, या वहां से हाइड्रोजन निकल रहा है या हटा रहे हो आप उसको तो वो आपके पास वो भी ऑक्सीडेशन है, या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो तब भी आपके पास ऑक्सीडेशन रह जाएगा, और ये क्या है इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है इनिशियल टू फाइनल जब आप वेरी करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन का पॉइंट। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो मुझे ये लिखने सेम ही पॉइंट है, बस इनका रिवर्स आप कर दें। यानी एडिशन की जगह आप लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर रिमूवल की जगह आप लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल की जगह फिर से आप लिख देंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आप लिखेंगे बच्चों डिक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सबसे पहले भी पता होना चाहिए कि सर जैसे आपने बताया कि यहां पर अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर यहां से निकलेगा तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन जुड़ेगा तब भी रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे तब भी रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन का स्टेट जो होगा अगर वो डिक्रीज होगा तब भी आपका क्या कहलाएगा रिडक्शन। ठीक है बच्चों, अब यहां पर सबसे पहला की पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो एक तरीके से किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज ऑन है, किसी भी एटम पर जब चार्ज आएगा जो भी, तो वो आपके पास क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल मेरे पास कोई स्पीसीज है H2O, और यहां पर मैंने लिया H3O, ठीक है, और मुझे इसके अंदर इन दो केस में तो सेंट्रल एटम हमारे पास ऑक्सीजन है पर यहां कोई सेंट्रल एटम नहीं, तो और मुझे इसका क्या निकालना है चार्ज निकालना। तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझेंगे आप, हाइड्रोजन के अंदर कितने हाइड्रोजन है, तो आप कहोगे सर यहां पर 2 हाइड्रोजन है, और जब 2 हाइड्रोजन है तो आप यहां पर क्या लिखोगे 2। मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, लेट एक्स, तो आप इसको एक्स मान लेंगे जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाओगे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो सिंपल लिखेंगे 0। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 0/2,
तो एक्स का मतलब यानी किसी सिंगल टाइप जो स्पीसीज हैं उसके अंदर आपके पास एक एटम है या फिर मोर देन वन एटम है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा जी, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा हमेशा जी। यानी इसके ऊपर चार्ज एक तरीके से यहाँ पर कितना है जी। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है और दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन को एक्स कंसीडर करोगे क्योंकि जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 × देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है प्लस और वो मैंने रख दिया नेक्स्ट पे जाने के लिए प्लस। ऑक्सीजन कितना है 1, चार्ज कितना होता है -2 इक्वल टू, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो सिंपल जी। तो ये +2 -2 अच्छा यहाँ पर ये ध्यान रखना मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी तो 1 × x लिखा। तो यहाँ पर आ जाएगा +x = 0 तो x की वैल्यू इधर जा करके इधर प्लस है तो उधर जा कर आ जाएगा -2 यानी ऑक्सीजन का जो चार्ज है यहाँ पर कितना है वो कितना है -2 यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट H2O के अंदर कितना है -2। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 3 और चार्ज कितना हो जाएगा +1 और ऑक्सीजन आपके पास कितना है 1 × x ऊपर यहाँ पर कितना चार्ज भी बने +1 तो यहाँ पर बनेगा +3 + x = +1 तो यहाँ पर x = कितना जाएगा बच्चों फिर से -2। इसका मतलब ऑक्सीजन का एक तरीके से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ठीक है वो आपके पास ऑक्साइड की फॉर्म में कितना होता है -2 ठीक है। तो जब ऑक्सीजन अगर -2 शो करेगा तो उसको बोलते हैं आप ऑक्साइड। ऑक्सीजन का जो चार्ज है आपके पास -1 है तो इसको आप बोलते हैं पेरोक्साइड और अगर ऑक्सीजन का जो चार्ज है तो वो -1/2 तो उसको बोलते हैं आप सुपर ऑक्साइड। तो मेरे हिसाब से जो बेसिक पार्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर ठीक है, जिसके अंदर आप ये देख रहे हो कि ऑक्सीजन या किसी भी अदर स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे फाइंड आउट करो ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।